फ्रेंड्स, मैं कीर्ति परोहा 11th बायो की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 में पुष्पी पादपों की आकार की। जो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं उनको पुष्पी पादप कहते हैं, और उनमें क्या फिजिकली जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, आपने सब कुछ परिचित हैं आप इनसे, तो एक बार हम उसको फिर से पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पौधे के आकार की और बाह्य संरचना में क्या होती है, बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च स्तर के पादपों में मूल यानी जड़, स्तंभ यानी तना, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति जो होती है वो इसका प्रमुख अभिलक्षण माना जाता है। अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मूल। मूल को साधारण भाषा में जड़ भी कहा जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वी मूल होती हैं जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इनकी शाखाएं मिलकर मूसला तंत्र या जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। उदाहरण, सरसों का पौधा इस चित्र में देख रहे हैं आप। ये जो है ये मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। तो ये जो इसमें दिखाई दे रहा है ये प्राथमिक मूल हो गया। एक लंबी सी मूल की रचना जो दिखाई दे रही है कैसी है, प्राथमिक मूल है, और इससे निकलती हुई पार्श्व यानी पार्श्व लेटरल साइड पे जो मूल निकल रही है उनको पार्श्व मूल बोला। तो ये प्राथमिक मूल हो गई, और आजू बाजू में जो निकल रही है लेटरली उसको द्वितीयक या तृतीयक मूल भी वो बनाती है, और इसको कंपोज्ड रूप से क्या कहते हैं, मूसला तंत्र कहा जाता है। एक बीजपत्री पौधों में जो प्राथमिक मूल होती है वो कैसी होती है, अल्पायु होती है, मतलब जल्दी से डिजनरेट हो जाती है और उसके स्थान पर अनेक मूल निकल आती हैं। जैसे मान लें हम एक बीजपत्री पौधे का देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम नहीं है फिर भी मैं समझा रही हूँ आपको। एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनमें जमीन के नीचे जो प्राथमिक मूल है वो धीरे से खत्म हो जाती है और यहाँ बहुत सारी मूल इकट्ठे निकल आती हैं। इनको कहा जाता है झखड़ा मूल तंत्र। कौन सा मूल तंत्र कहा जाता है बच्चों, झखड़ा मूल तंत्र। उदाहरण, गेहूं का पौधा। नेक्स्ट देखें, पौधे जैसे घास तथा बरगद, इसका तो आपने देखा होगा, इनमें मूलांकुर मूल जो है मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भाग से निकलती है, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक घास का पौधा है, इसमें ऊपर ऊपर घास उग रही है, दूब घास या कुछ, इसके बीच बीच में भी जो नोड वाले पार्ट रहते हैं वहां से भी मूल निकलती है, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। अब मूल तंत्र या जड़ तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, मिट्टी से पानी का, खनिज लवण का अवशोषण करना, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, स्टेबिलिटी करना, कुछ खाद्य पदार्थों का संचय का कार्य भी करती है, और पादप नियामकों का, प्लांट रेगुलाइजेशन का संश्लेषण भी करती हैं। ये मूल के प्रमुख कार्य हैं। अब मूल के रूपांतरण, कुछ प्लांट्स में जरूरी नहीं कि सिर्फ जो जड़ है वो इसी प्रकार का कार्य करे, कुछ इसमें रूपांतरण भी होते हैं, जैसे कि एडेप्टेशन या कुछ अनुकूलन या विकास के हिसाब से भी कुछ पौधों में मूल भिन्न भिन्न कार्य भी करती है। इसको हम समझते हैं। कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवाहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित करती हैं। किस चीज के लिए रूपांतरित करती हैं, भोजन संचय, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। गाजर तथा सलजम की जो मूसला मूल आपने देखी, गाजर सलजम इस समय आप खा रहे होंगे और आप अच्छे से नोन हैं, तो गाजर और जो शलजम है वो एक्चुअली क्या है, वो मूल का ही उदाहरण है, लेकिन क्या करते हैं ये भोजन को संग्रहित कर लेते हैं जिसके कारण ये स्वेल अप फूल जाते हैं। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। क्या आपने कभी देखा कि बरगद के पेड़ से जो लटकती हुई संरचनाएं रहती है, देखा आपने बरगद का पेड़, उस पेड़ के आजू बाजू भी इस प्रकार से, मान लीजिए ये बरगद का ट्री है, इसके आजू बाजू से एक लटकती हुई संरचनाएं जो दिखाई देती हैं उन्हें प्रॉप रूट कहते हैं, सहारा देने वाली, इन्हें सहारा देने वाली मूल भी कहते हैं। इसी प्रकार मक्का
तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती हैं। आपने गन्ने का पौधा देखा होगा, मक्के का पौधा देखा होगा, बिल्कुल लंबा रहता है और बीच बीच में क्या रहते हैं, नोड्स रहते हैं। तो इसमें गन्ने के पौधे में भी इंटर नोड से इसको सहारा देने के लिए अलग से भी मूल निकलती हैं। इन्हें अब स्तंभ मूल कहा जाता है। अब कुछ पौधे राइजोफोरा, जैसे जो दलदली क्षेत्र में भी आते हैं, कुछ ऐसे पौधे उगते हैं। इसमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपर उठ के वायु में निकलती है। जैसे मान लीजिए ये जमीन है, तो इस प्लांट्स की जो मूल है ये भी क्या होते हैं, भूमि से ऊपर उठ के वायु में निकलती है। इनको श्वसन जड़ें कहा जाता है। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, एक बार के समझने में ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं तो आप इसको एक बार फिर से रीड करोगे आप इसको, तो बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप एक से दो बार अगर आपने देखा तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। ये श्वसन जड़ें क्या करती हैं, ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो ये हो गए मूल के रूपांतरण, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पिक में देखिए आप बरगद के पौधे को सहारा देती हुई ये निकल रही हैं, ये भी प्रोप्रूट कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है तना। अब हमको अच्छे से मालूम है तना, सब बच्चे पहचानते हैं कि तने और मूल में क्या अंतर है। तो यदि हम देखें तो जब बीज का अंकुरण होता है तो उसके बीज पत्र के ऊपर से जो भाग निकलता है, नीचे वाला जो भाग रहता है वो जड़ का निर्माण करता है या मूल का निर्माण करता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो तने या स्टेम का निर्माण करता है। और इसी पर क्या होते हैं, शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल लगे होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इस पर गांठ तथा पोरियां भी होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतःस्थ अथवा कक्षीय भी हो सकती हैं। तना जब शैशव अवस्था, मतलब जब बिल्कुल एकदम निकल ही रहा है, बन ही रहा है, तब वो कैसा होता है, प्रायः हरा होता है, ग्रीन इन कलर होता है। बाद में उसमें क्या होता है, एजिंग के कारण वो काष्ठी तथा गहरा भूरा हो जाता है। तने का प्रमुख कार्य क्या है, शाखाओं को फैलाना ताकि बड़ा हो सके प्लांट, पत्ती फूल तथा फल को संभाल कर रखना, और यह पानी खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन। तो पहला क्या हो गया, शाखाओं को फैलाना, दूसरा क्या हो गया, फूल तथा फल को संभाल कर रखना, पत्ती फूल फल को, और तीसरा हो गया पानी खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करना है। अब इसके अलावा कुछ तने क्या होते हैं, भोजन संग्रह भी कर लेते हैं, कुछ सहारा तथा सुरक्षा देने के लिए कायिक प्रवर्धन करने के भी कार्य संपन्न करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ नंबर का फीचर। आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि तने के कार्य बताइए या जड़ के कार्य बताइए, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब आता है तने के रूपांतरण। जिस प्रकार से जड़ों में विशेष कार्य करने के लिए वो रूपांतरित हो जाती हैं, उसी प्रकार से तने भी जो होते हैं वो किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु रूपांतरित होते हैं। तो हम समझें, तने सदैव आशा के अनुसार प्ररूपी नहीं होते, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। जैसे कौन कौन से, आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी, ये जो सब्जियां है ना, आप इनको सब्जी है, लेकिन ये क्या है, ये भूमिगत तने ही हैं जो भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। जब वृद्धि के लिए, जब प्रतिकूल परिस्थिति पौधे में उत्पन्न होती है, तो वो अपने आप को सर्वाइवेबिलिटी के लिए, जीवित रखने के लिए चिरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। तने के प्रतांड जो कक्षी कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं, पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे कद्दू वर्ग की सब्जियां, घिया, खीरा, तरबूजा, इनके पौधे आपने देखे हैं, तो इनमें जो तना होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, ब्रॉड होती हैं, चौड़ी पत्तियां देखी होंगी आपने इस प्रकार से। और इन्हीं के कक्षों से क्या होता है, ऐसे लंबे लंबे प्रतान, इसको कहते हैं प्रतान, ये क्रीपर्स प्लांट कहलाते हैं, क्योंकि ये खुद तो पूरा स्टेम इतना मजबूत नहीं होता, तो ये किसी सहारे की सहायता से आगे बढ़ते हैं। इनकी और अंगूर लता, यानी जो वाइन का जो पौधा है, इसकी तने की कक्षी कलियां काष्ठी सीधे तथा नुकीले कांटों में भी परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों, ताकि ये पशुओं और उनसे रक्षा कर सके। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सिट्रस,
बोगेनविलिया। ये क्यों होते हैं इनमें कांटे? क्योंकि ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के जो पौधे हैं उनके चपटे तने हो जाते हैं, जैसे ओपेंशिया, नागफनी, कैक्टस अथवा गूदेदार सिलिंडराकार यूफोर्बिया में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा नागफनी का प्लांट, इस प्रकार से नागफनी का कैक्टस वगैरह उगते हैं। तो ये तने हैं, ये जो आप इनको अगर पत्तियां समझते हो तो ये पत्तियां नहीं है, ये तने हैं। बल्कि इनकी ये पत्तियां हैं जो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और ये है तना। मांसल तथा गूदेदार हो जाता है, जो भोजन संग्रह भी करता। कुछ पौधे जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी, ये कई स्थिति सभी दिशाओं में फैलते हैं, और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधे प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व कलिका निकलती है, जो कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद जमीन को छूते हुए नए पौधे को जन्म देती है। तो तने के रूपांतरण हमने समझे। पहला तो ये कि वो भोज्य पदार्थ संचय का कार्य कर लेता है, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी, ये भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। कद्दू वर्ग की जो सब्जियां हैं वो घिया वगैरह, लौकी, तरबूज आदि, उसमें क्या होते हैं प्रतान रूप भी आपको दिखाई देता है, जो आगे बढ़ने में होता है। फिर कुछ तने कांटे के रूप में, जैसे अंगूर लता वाइन के पौधे में हो जाती है नुकीले कांटों में, कुछ सिट्रस बोगनवेलिया में भी होते हैं। कुछ पौधे के तने क्या होते हैं, जैसे कि शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थली क्षेत्रों में ग्रीन कलर के मांसल गूदेदार संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमें तनों के रूपांतरण पता चले। पिस्टिया तथा आइकोर्निया जैसे कली पादपों में एक पार्श्वी शाखा निकलती है, जिनकी पोरियां छोटी होती हैं और प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का दंड, फूल का गुच्छा तथा क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी में पार्श्वी शाखाएं अधर तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं, मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं और उसके बाद बाहर निकल के पत्तियों युक्त परों बनाती हैं। जैसे यहाँ चित्र देख रहे हैं, अदरक, अरबी, आलू, ये सब क्या होते हैं भोजन संचय के कारण ये भूमिगत तने फूल गए। घिया, लौकी वगैरह में ये देखो ये प्रतान युक्त संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। बोगनवेलिया में यहाँ पर रूपांतरित तना कांटे के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ ऑक्सिलिस वगैरह में विकसित मूल और ये आगे बढ़ता जा रहा है, नए पौधे को जन्म दे रहा। अब आता है पत्ती। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं पत्ती के कार्य, अपने बहुत क्लास 5th 4th से समझाया कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। पत्ती पर्वी चपटी संरचना होती है, जो तने पर लगी होती है या गांठ पर होती है। इसके कक्ष में कली होती है, कक्षी कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ कहाँ से निकलती है? पत्तियां शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती हैं। एक प्ररूपी पत्ती के तीन भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णव्रंथ तथा स्तरिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं, जिन्हें अनुपर्ण कहा जाता है। एक बीज पत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है, ऐसे पर्णाधार को पर्णव्रंथ तल्प या पलवाइनस कहते हैं। पर्णग्रंथ पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसको अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा पतला लचीला पर्णग्रंथ स्तारिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तारिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है, जिसमें शिराएं तथा शिरिकाएं होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है, जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं। पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। विभिन्न पौधों में इस तारिका की आकृति, इसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में भिन्नता होती है, मतलब पत्तियों के भी जो स्ट्रक्चर है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो ये पर्णवृंत से यहाँ जुड़ी है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये मध्य शिरा है। ये है द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती, गुड़हल वगैरह की। देखिए इसमें जाली जालिकावत संरचना दिखाई दे रही है। और ये एक बीज पत्री पौधे की है, इसमें क्या होता है? इसमें आपको समानांतर शिरा विन्यास दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों,
ये है एक बीज पत्री। एक बीज पत्री पौधे की पत्ती, इसमें क्या है, कैसा दिखाई दे रहा है, समानांतर ऐसा प्रकार का शिला शिरा विन्यास दिखाई दे रहा। और ये है द्विबीज पत्री पौधे की पत्ती। द्विबीज पत्री पौधे में कैसा रेडिकुलेट टाइप का, ऐसा जाली का वत कहीं से भी क्रॉस हो रहा है, ऐसा जाली का बन रही है ना, इस प्रकार से जो निर्माण हो रहा है वो द्विबीज पत्री पौधे का निर्माण हो रहा है। अब पत्ती के प्रकार, पत्ती की इस तरीका जो है वो अच्छिन्न होती है अथवा कटी हुई, लेकिन इसका कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच सकता। ये इस तरीका है जो इस प्रकार से ऐसा फैला हुआ भाग रहता है ना, ये इस तरीका कहलाता है। जब इस तरीका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्ती दोनों के पर्णवृंत के कक्ष में एक कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती है, एक पिच्छाकार जो ये दिखाई दे रही है, ये है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, और एक है जिसका उदाहरण है नीम, और दूसरी है हस्ताकार जो एक ही बिंदु पर आधार, एक ही बिंदु पर, एक ही शीर्ष पर सारी पत्रिकाएं अच्छी लगी हुई है, तो इसको कहते हैं हस्ताकार। उदाहरण सिल्क कॉटन की पत्तियां। अब पर्ण विन्यास, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने का जो क्रम है, किस हिसाब से वो अरेंज रहेंगी, उसको पर्ण विन्यास कहते हैं। तीन प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख तथा चक्राधार। इसको समझो, एकांतर आपने एकांतर कोण मैथ्स में पढ़ा है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ये कहलाता है एकांतर। सम्मुख सामने सामने, इस प्रकार से ये सम्मुख हो गया। और चक्करदार, चक्करदार में क्या होता है, एक ही जगह पर अलग अलग ढंग से ऐसे व्यवस्थित रहती। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप से लगी रहती, उदाहरण गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है, उदाहरण अमरूद, कैलोट्रॉपिस। यदि एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं और चारों ओर एक चक्कर सा लगाती हैं तो उसे चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं, जैसे एल्स्टोनिया ड्रेबलट्री। तो ये हो जाएगी एकांतर का उदाहरण, एकांतर पर्ण विन्यास। ये हो जाएगा सम्मुख पर्ण विन्यास। बेटा ये जो उदाहरण मैं बता रही हूं, ये आपको आमतौर पर आपके गार्डन में या आसपास के वहां पर लगे हुए मिल सकते हैं, तो आप इस प्रकार की पत्तियों का डायरेक्ट जाकर अवलोकन करके अध्ययन कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें बना है इसलिए आप याद करें, आप इसको एज ए प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के जो गार्डन है या जहां दिख रहा है वहां जाकर के इस प्रकार के पर्ण विन्यासों का अध्ययन करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। अब पत्ती के रूपांतरण, जैसे हमने जड़ के रूपांतरण पढ़े, तने के रूपांतरण पढ़े, उसी प्रकार से पत्ती के रूपांतरण। तो पत्ती जो है, पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए भी रूपांतरित होना पड़ता है। जैसे तना प्रतान के रूप में पड़ गया था, उसी प्रकार से ऊपर चढ़ने के लिए वो प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जैसे मटर। रक्षा के लिए वो शूल या कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कैक्टस, है ना। प्याज तथा लहसुन की गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। कुछ पौधे जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पत्ती छोटी तथा अल्पायु होती है, इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। अच्छा, और सबसे बढ़िया, कुछ कीट हारी कीट भक्षी पादपों में भी क्या होते हैं, पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती, उदाहरण घटपर्णी, वीनस, फ्लाई ट्रैप। अब यहाँ हम समझे तो पत्तियां भी क्या क्या कार्य करने लगती हैं, प्रतान के रूप में बदल गई, जैसे कि मटर में ये प्रतान बन गया पत्तियों के बाजू से, ये इस प्रकार से इसको क्रीपर का काम करने का इसको सहायता देता है चढ़ने के लिए, ये प्रतान बन जाती है, पत्र प्रतान। दूसरा कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे नागफनी वगैरह में आपने कांटों के लिए इसमें देखा होगा। तीसरा प्याज और लहसुन की पत्तियां गूदेदार भोजन संचय के कारण हो जाती हैं। और इसमें एक चीज और बता रहे हैं, जैसे
कलश पादप, कलश पादप आपने 10th क्लास में अध्ययन किया है, इस प्रकार का रहता है और इसमें पत्तियां क्या हो जाती हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए हो जाती हैं, तो ये कलश पादप है, ये भी तो पत्ती के रूपांतरण में आएगा। इसी प्रकार से और भी हैं, ड्रोसेरा है जो पत्तियों में एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है और उससे कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये थे पत्ती के रूपांतरण। नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्प क्रम और पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।